Dear students of 9th class, today we will discuss. आज के इस लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं फॉर द सेम चैप्टर पॉलीनोमियल एंड फॉर द सेम टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन लीनियर फैक्टर्स. जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था वो मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं. बाय फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इंटरलीनियर फैक्टर्स बाय यूजिंग सुप्लेटिंग मिडल टर्म. इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द आइकॉन बेल सो दैट यू विल गेट द रिसेंट नोटिफिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल. एंड वीडियोस को शेयर जरूर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे जो है 9th क्लास के वो भी इन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सके. और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सुप्लेटिंग ऑफ मिडल टर्म. इफ वी हैव अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सीपीएक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड हियर डी इज द मिडल टर्म एंड ए सी इज द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट टर्म. जब आपके पास ये दो वैल्यू आपको मिलेंगे फिर हमें बी के दो पार्ट्स लेने पड़ते हैं इन सुप्लिटिंग मेथड. वो कहां से मिलेंगे? बाय फैक्टराइजेशन ऑफ एसी. एसी के प्राइम फैक्टराइजेशन आप ले सकते हैं. वहां पे आप पेयर्स में दो नंबर्स बना सकते हैं साइज दैट द प्रोडक्ट इज एसी एंड सम इज बी. अब यहां पे हमारे पास दो नंबर्स हैं. अब पॉसिबिलिटीज बनती है दो नंबर से पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस. यहां पे हम एक चीज डिस्कस करने वाले हैं. इफ बी ए सी, जब हमारे पास बी पॉजिटिव होगा ए सी इज पॉजिटिव केस फर्स्ट में हम लेंगे. डियर स्टूडेंट रिमेंबर दिस, जब हमारे पास B पॉजिटिव होगा ए सी इज पॉजिटिव. ये जब पॉजिटिव होंगे दोनों तब जाके क्या करना है, जो B के जो पार्ट्स हैं वो आपको दोनों पॉजिटिव लेने हैं. चाहे आप बी वन बढ़ा लें या छोटा लें, जिस तरह आप चाहे उस तरह ले सकते हैं. लेकिन किस केस में? जब हमारे पास B भी पॉजिटिव होगा एंड ए सी भी पॉजिटिव होगा. रिमेंबर दिस, ये एक चीज है. सेकंड चीज है, सेकंड इस केस में दोनों को आपको पॉजिटिव लेना है. सेकंड केस हम यहां पे लेंगे. केस सेकंड में बी इज रियल नंबर ए सी इज रियल नंबर, ये भी पॉसिबिलिटी है. बी पॉजिटिव होगा ए सी इज नेगेटिव होगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. जब B इज पॉजिटिव ए सी इज नेगेटिव, उस केस में जो दो पार्ट्स हैं B के क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो मिडल टर्म है उसके जो दो पार्ट्स हैं उनमें क्या लेना है आपको? अगर आपने B1 को बढ़ा लिया B2 से, अगर हमने B1 को बढ़ा लिया B2 से तब जाके B1 को हमें पॉजिटिव लेना है B2 को नेगेटिव लेना है. रिमेंबर दिस. इसी तरह थर्ड केस जो होगा, केस थर्ड, बी हम मान के चले इट इज नेगेटिव एंड ए सी इज पॉजिटिव. ए सी इज पॉजिटिव, जब बी इज नेगेटिव ए सी इज पॉजिटिव उस केस में क्या होगा इन दो पार्ट्स के लिए? रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, उस केस में थर्ड केस में B1 नेगेटिव B2 नेगेटिव दोनों आप नेगेटिव ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. B1 छोटा हो या B2 छोटा हो, रेस्ट्रिक्शन नहीं है. नाउ लास्ट केस जो है फोर्थ केस, ये पॉसिबिलिटी बनती है कि B नेगेटिव है ए सी नेगेटिव है, ये पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास. तब जाके ये दो पार्ट्स से B1 एंड B2 ऑफ द मिडल टर्म उनको किस तरह हमें लेना है उसके लिए हमारे पास, अगर आपने अगर हमने B1 बढ़ा लिया B2 से
उस केस में B1 को ही नेगेटिव और B2 को पॉजिटिव लेना है, B1 को नेगेटिव लेना है और B2 को पॉजिटिव लेना है। अगर हमने B2 ही बढ़ा लिया एंड B1 इज स्मॉलर, तब जाके हमें B2 ही नेगेटिव लेना है, B1 टेक्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेना है। जब हम इस तरह हमारे पास B1 एंड B2 के वैल्यूज मिलेंगे, चार पार्ट्स ऑफ B, हुज प्रोडक्ट बिकम्स AC एंड सम बिकम्स B, एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द लीनियर फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। एंड फाइंडिंग आउट द लीनियर फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बाय दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल ऑफ योर टेक्स्ट बुक के जरिए इस पूरे मेथड को दिखाएंगे किस तरह हम इसको यूज करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।